दोस्तों, यहाँ जो लड़की बैठी पढ़ाई कर रही है, इसका नाम है सुगुना। सुगुना रहती है आंध्र प्रदेश में। चलिए हम सुगुना की कहानी जानते हैं कि वो आखिर कर क्या रही है। ये तस्वीर और सुगुना की कहानी ली गई है आपकी NCERT की कक्षा 4 की पुस्तक आसपास के पाठ 18 से। तो चलिए देखते हैं। सुगुना किताब पढ़ ही रही थी कि तभी किसी के आने की आवाज आई। देखो, शहर से कोई मेहमान आए हैं और जो अप्पा है सुगुना के, वो हाथ फैलाए उनसे मिल रहे हैं, उनसे गले मिल रहे हैं। लगता है कोई उनके दोस्त आए हैं शहर से। अब वो बैठ चुके हैं, लेकिन यह क्या, वो अपने हाथों से ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अप्पा ने उन्हें बिठाया और सेल्वा से कहा कि उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आए, और सेल्वा भागा भागा कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। लेकिन ओ, अब समझ आया कि जो मेहमान है वो अपने हाथों से कोल्ड ड्रिंक के लिए मना कर रहे हैं। मेहमान बोले, कोल्ड ड्रिंक तो मैं नहीं पीता, बस एक गिलास पानी दे दीजिए। पानी तो अप्पा लेकर आ गए, लेकिन उन्होंने अपनी नाक पे उंगली क्यों रखी हुई है और ये मेहमान इतने हैरान क्यों है। अप्पा बोले, हमारे यहाँ आजकल पानी ठीक नहीं आ रहा है, दिखने में भी साफ नहीं है। आप यह पानी ना ही पिए तो अच्छा है, हमारी तो मजबूरी है, हमें तो पीना ही पड़ता है। ओ, तो इसी कारण से अप्पा ने अपनी नाक पर हाथ रखा हुआ है, उसे दबाया हुआ है ताकि पानी में से बदबू ना आए, क्योंकि उनके यहाँ जो पानी है वो काफी गंदा आ रहा है। अगर मेहमान गंदा पानी पी लेंगे तो क्या होगा। दरअसल गंदा पानी पीने से बहुत सी बीमारियां होती है, पेट खराब हो जाता है, इसी कारण से अप्पा उन्हें मना कर रहे थे। दोस्तों, क्या आपके इलाके में कभी गंदा पानी आया है, किस कारण से। हैव यू एवर गॉट डर्टी और अनक्लीन वाटर इन योर एरिया, व्हाट वॉज द रीजन फॉर दिस। तो क्या आपके इलाके में कभी गंदा पानी आया है कभी भी, उसके पीछे का कारण क्या आपने जानने की कोशिश करी। मेरे इलाके में भी काफी बार गंदा पानी आता है, जिस वजह से मैं तो बीमार भी हो गई थी। मेरे पेट में काफी दर्द रहने लगा था और मुझे बुखार भी हो गया था। क्या आप जानते हैं, गंदे पानी के कारण काफी बीमारियां होती हैं। और मेरे इलाके में गंदा पानी आने का कारण था कि बीच में कहीं से पाइप टूट गया था और पानी के पाइप में दूसरा जो गंदगी थी वो घुल मिल रही थी, उसी कारण से वह गंदा आ रहा था। जरा आप पता लगाइए कि अगर आपके यहाँ कभी गंदा पानी आया तो उसका कारण क्या था, और क्या आपको गंदे पानी की वजह से कोई परेशानी झेलनी पड़ी, जैसे सुगुना के घर वालों को और उसके गांव वालों को झेलनी पड़ रही है। और दोस्तों, जरा बताइए कि मेहमान ने कोल्ड ड्रिंक पीने से क्यों मना करा होगा। क्या आपको भी कोई ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से रोकता है। उसका कारण यही है कि कोल्ड ड्रिंक जो होती है वो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, इसीलिए हमें मना किया जाता है। और मेहमान ने भी इसी कारण से कोल्ड ड्रिंक के लिए मना किया होगा और पानी मांगा होगा, लेकिन वहाँ तो पानी ही गंदा आ रहा था। कैसे काम करते होंगे वहाँ के लोग इतने गंदे पानी के साथ, क्या पीते होंगे वो, उन्हें तो वही पीना पड़ रहा था। वो लोग पानी उबाल कर पीते थे क्योंकि पानी इतना गंदा आ रहा था, फिर भी उबालने के बावजूद भी पानी काफी गंदा होता था। तो दोस्तों, सोचिए कितनी प्रॉब्लम होती होगी अगर कहीं पर किसी इलाके में गंदा पानी आता होगा। क्या आपने भी अपने आसपास कभी कहीं पर या आपके इलाके में गंदा पानी आते देखा है।